नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं नंदिनी प्रिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद रामानुज के प्रति जताया शोक। लद्दाख में शहीद हुए थे पालीगंज के रामानुज यादव। शहीद रामानुज का शव पहुंचा पटना एयरपोर्ट। एयरफोर्स अधिकारी समेत कई गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। राजकीय सम्मान के साथ पालीगंज में होगी उनकी अंत्येष्टि। मुजफ्फरपुर में सीपीआई नेता को घर में घुसकर अपराधियों ने मारी गोली। जमीन विवाद में अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। घायल नेता का इलाज जारी। नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार स्थित अली मिर्जा रोड की घटना। पटना एनएमसीएच में प्रसव के बाद महिला की हुई मौत। मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। पटना मगध यूनिवर्सिटी के वीसी ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल फगू चौहान ने इस्तीफा किया स्वीकार। कुलदीप राजेंद्र प्रसाद पर भ्रष्टाचार का मामला है। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। गिरफ्तार राहुल कुमार खुद भी थे परीक्षार्थी। परीक्षा से पहले उन तक पहुंचा था प्रश्न पत्र। सॉल्वर गैंग से लगातार संपर्क में था राहुल। मुंगेर में ट्रक ने बाइक सवार 9 दंपति को मारी टक्कर। मौके पर पत्नी की हुई मौत। वहीं पति गंभीर रूप से जख्मी। घायल पति को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नया रामनगर थाना क्षेत्र के NH 80 की यह घटना। 15 मई को हुई थी 9 दंपति की शादी। अररिया बैंक लूट मामले में नगर थाना अध्यक्ष अभिनव कुमार सस्पेंड। शिवशरण साह को सौंपा गया कमान। बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में लूट की घटना के बाद लिया गया एक्शन। नालंदा में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई गोलीबारी। गोली लगने से 2 लोग जख्मी। इलाज के लिए पटना रेफर। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के मवेशी हाट के पास की घटना। दरभंगा एयरपोर्ट पर टेकअप करने में देरी से रनवे पर कम हुई रोशनी। फ्लाइट रद्द करने पर यात्रियों ने किया हंगामा। गोपालगंज में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र ने की खुदकुशी। पिता बोले रैगिंग ने ली बेटे की जान। विशंबरपुर थाना क्षेत्र के सीपीआ पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास की घटना। पटना में एसटीए पर कर्नाटक पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। मुंगेर से 3 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के अपराधी और करता था हथियार सप्लाई। गिरफ्तार तस्करों से पुलिस कर रही पूछताछ। गया में अफीम के साथ एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। बोधगया थाना क्षेत्र का है मामला। मधुबनी में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 4 लोग घायल। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरसों गांव की है घटना। मधुबनी में मवेशी तस्करी करने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 15 मवेशी के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गैबीपुर गांव में पुलिस ने की कार्रवाई। बेगूसराय के बकरी में पत्रकार की हत्या मामले में नीतीश कुमार नाम के आरोपी ने खगड़िया पुलिस के सामने किया सरेंडर। आपसी रंजिश में हत्या का मामला। छपरा में 2 दिनों से गायब किशोर का शव मिला। सरयू नदी के किनारे देवीलगंज थाना क्षेत्र के कोई टोला गांव का रहने वाला था बालक। घटना से नाराज लोगों ने सड़क पर उतर कर किया हंगामा। नवादा में पैसों के लेन देन में एक युवक की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहपुर थाना क्षेत्र की घटना। पटना के स्मार्ट थिएटर में बैठ कर नहीं लेट कर देख सकते हैं फिल्म। कम टिकट में घर जैसे ले सकते हैं फिल्म। बिहार में फिर बदला मौसम का मिजाज। प्री मानसून बारिश के साथ मिली गर्मी से राहत। वहीं उमस बरकरार। अभी के लिए बस इतना ही। इस टीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपने सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो इस टीवी न्यूज का ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए इस टीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर इस टीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल इस टीवी न्यूज। सच की आवाज़। नमस्कार।